पाकिस्तान फिल फॉर, हम डाउनग्रेड कर रहे हैं आर डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इंडिया। फिल फॉर हमने फैसला किया है और हम सस्पेंड कर रहे हैं बायलैटरल ट्रेड विद इंडिया। हम अपनी आजादी का दिन उनकी खुद इरादियत की जज्बा और तहरीक के साथ मुंसलिक कर रहे हैं और एक जबा होकर आजाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान का गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया, एक आवाज उठेगी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। Appear that they have taken this decision because they have to appear to be doing something given their own political constituencies and their own political agendas. There was a lot of thing about the 370, the scrapping of 370 in Pakistan, and they have taken decision after that only. Well, Pakistan's reactions on anything to do with Jammu and Kashmir are never very considered reactions. They are emotional reactions. So we have to wait and see how developments, what course developments take. Even they have suspended the bilateral trade between us. Well, trade between India and Pakistan, unfortunately, has never been of a very large volume. As I said, I think these are steps which they have taken to show to their political constituency that they are dealing with the matter. The fact that such steps have been taken also suggests that it's a political and emotional reaction. हम 70 साल तक पाकिस्तान से चर्चा करते रहे, शांति की वार्ता करते रहे, तब भी कश्मीर की व्यवस्था और सिचुएशन अगर नहीं बदली है और कठोर कदम उठाए हैं तो पाकिस्तान के साथ तो रिश्ते तोड़ने चाहिए थे, हमने तोड़ने चाहिए थे पहले से। हम तो हमेशा कहते थे कि हिंदुस्तान में जो टेररिज्म हो रहा है, बढ़ रहा है, वो तो पाकिस्तान की देन है। ऐसे पाकिस्तान से रिश्ते रखने में क्या मतलब था? पाकिस्तान को अगर हम आतंकवाद की फैक्ट्री कहते हैं तो उस फैक्ट्री में हमारा एम्बेसडर जाकर बैठता है और उसके ऊपर बहुत से, वहाँ हमने देखा कि बीच में जब हमारे एम्बेसडर ने ईद का एक पार्टी देने की कोशिश की, वहाँ भी उनको जाने से रोका लोगों को अपने एम्बेसी में पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ। ये हमने करने चाहिए था। दिल्ली में जो पाकिस्तानी दूतावास है, वहाँ जो सिक्योरिटी लोग हैं कश्मीर के, उनको बुलाकर उनकी चर्चा करता है वो पाकिस्तान का एम्बेसडर या दिल्ली में, बंद कर दो, तो यहाँ भी ताला लगाए। हमने बार बार ये मांग की है, मुंबई में अगर कोई पाकिस्तान का दिल्ली में है या किसी शहर में है, भगा दो सबको। कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, वहाँ क्या करना है या क्या नहीं करना है उस बारे में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का गृह मंत्रालय, हिंदुस्तान की आर्मी फैसला करेगी, पाकिस्तान वाले नहीं करेंगे। अगर वो किसी भ्रम में है तो उनका भ्रम अमित शाह ने तोड़ दिया है।